अब आज जो पैसा आता है तो बोलते हैं तूने अच्छा क्या दिस इज द एज ऑफ दमेशन अब इन्फॉर्मेशन में भी जो सही इन्फॉर्मेशन देगा वो जीतेगा अ लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन मी क्रिएशन में बहुत सैचुरेशन आ गया अभी तो फिर पांच साल पहले तो इसने जन्म लिया तो अभी कहां लैपटॉप रखा हुआ लैपटॉप के ऊपर मैं फोन को रखता था आई इवन बाय दैट स्टैंड जो बोलते ना कि कॉन्टेंट के लिए स्टैंड लगेगा आ, वो भी नहीं का

जो बोलते हैं डॉक्टर बन देखो जो करना बेटा तू कर कोई दिक्कत नहीं एंड माय फादर एक्चुअली वांटेड मी टू बी अ क्रिकेटर क्योंकि वो उनका सपना था सो तो यस तो वो सुबह पांच बजे उठते थे गर्मियों की छुट्टी में जब कैंप लगता था एक महीना हमें लेके जाते थे सीसीआई क्रिकेट राउंड ऑफ ऐसे करके कुछ है काउंसलर बंडिया इंदौर तो वो 3 घंटा वहां रुकते थे हमारे लिए ही टू सिट बिहाइंड द नाइट्स एंड सी माई मी एंड माय ब्रदर कि कैसा खेल रहे फिर बता दे कि ऐसे नहीं ऐसे मारो ये करो बट hey इवेंचुअली uh, मैं डर गया था कि यार पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी अगर क्रिकेट में लग गया तो और फिर वो चीज भी हट गई बट या ही हैज बीन ऑलवेज बीन सपोर्टिव तो अब मैं इंदौर आ गया नो हार्ड टू स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम ग्राउंड जीरो This was 2020. Okay. Haan, मतलब वो इंटर्नशिप चल रही थी बट मेरे को ये था कि यार

मैंने बोला उस टाइम पे मैं ऐसा लगता में मेरे सारे फ्रेंड्स है जो अपना पैसे देखे पच्चीस लाख रूपए तो ऑप्शन तो तो था तो अंडर ग्रेड करके साथ में एमबीए बी ए की तैयारी कर लू बट एक ये भी था कि घर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके हिसाब से पापा एमबीए कर अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं क्योंकि बीस बीस लाख फीस होती है लोन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो लेट्स ऑप्शन फॉर एक्साम्पल सी सी एस जिसमें एंट्री बैरियर भी

तो ये एक्चुअली के साथ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है आ, कि वो ये नहीं देखते हैं कि काम आगे जाके कैसा रहेगा सेम आई तो अब उस टाइम बैक द स्टोरी की कि हुआ यार लाइफ तो, तो, th तो, तो, था नहीं यूनिट सेल करे डेंट वर्क जीरो आई स्टार्ट वर्किंग बनाना सीखी ताकि मैं दूसरे बना सकूँ

देन आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम भोपाल उसके बाद जो स्टेज आई एन आई थॉट दैट मास्टर्स करना था एम बी ए करना था मल्टीपल जगह एग्जाम्स दिए एंड आई क्लियर आई सी फी बिजनेस स्कूल बॉम्बे आई अगॉर्डिंग टू इट फाउंड माई वाइफ ऑल्सो देयर इन आई सी फायर स्कूल इंदौर बैदल तो वहाँ से फिर प्लेस हो गए इंश्योरेंस सेक्टर में तब तक तो कुछ पता नहीं था hmm. बात करनी आती थी hmm. तो

हम लोग बाहर पढ़ रहे थे तो डैड कभी भी खुद के लिए कुछ असेट नहीं क्रिएट कर पाए तो 2006 में सॉलिड इंसेंटिव कमाते थे इंश्योरेंस बेच के सही तरीके से इंश्योरेंस बेच के हुँ. उस इंसेंटिव से मैंने गाड़ी खरीदी मैंने मेरे डैड को घर दिलवाया जबलपुर में okay. और मैंने पूरी शादी भी अपनी रफली फिफ्टी ऑफ माई वेडिंग आई फंडेड Hmm. Uh, so I, मेरा, उस टाइम पे मेरा ससुर ऐसा बोला जाकेगा था uh. मैंने गाड़ी भी खरीदी थी तो इट वॉज अ चैलेंज बट थोड़ा डैड ने फंड किया फिर शादी वादी हो गई टू थाउजेंड थर्टीन इज वेन आई आई क्विट माई कारपोरेट लाइन ऑफ बिजनेस इन टू इंश्योरेंस एन अकॉर्डिंग टू दिस ब्रोकिंग बिजनेस एंड सिंस देन वी बीन ग्रोइंग वी आर द नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट इंश्योरेंस ब्रोकर इन द कंट्री अबाउट नाइन हंड्रेड पीपल टीम अक्रॉस द कंट्री आपके इंदौर में भी ऑफिस है काफी फैला हुआ है फिफ्टी टू सिटीज वी आर कवरिंग वी आर नोन टू बी बेस्ट क्वालिटी इंश्योरेंस ब्रोकर कंट्री सही तरीके से बेचते हैं सही पॉलिसी बेचते हैं उसको सर्विस करते हैं क्लेम्स में हैंडल करते हैं क्लेम्स में सपोर्ट करते हैं लोगों को तो वहाँ से अभी तक की जर्नी है एंड देन कॉन्टेंट क्रिएशन ऑल्सो स्टार्टेड अबाउट सिक्स बैक वेर इन वी सेट दे इतना सब अच्छा करते हैं mm. लोगों को पता ही नहीं मैंने अगर किसी को क्लेम में मदद करी और पूरी दुनिया बेचारी अपने क्लेम को परेशान है तो उसको तो मालूम ही नहीं मैं क्लेम में भी हेल्प कर सकता हूँ पॉलिसी सिलेक्शन में मदद कर सकता हूँ लाइक योर इंटायर फैमिली यूर डीलिंग विद विदन एंड ऑल गाइज तो हमने आपको भी सिलेक्शन में मदद करी है पॉलिसी में आई एम श्योर गॉड फॉरब क्लेम नहीं आए बट आएगा अगर तो वे देयर फॉर यू तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने आ, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया so तो दिस हैज बीन द जर्नी सो फार तो इंदौर से निकला था ये सोच के कि मास्टर्स करना है कुछ करेंगे लाइफ में और अब आप पवन दोनों यहाँ बैठे बैठा। तो अभिषेक जैसे यू जस्ट टोल्ड कि आप इंश्योरेंस में पिछले दस पंद्रह साल से हैं। हाँ जी। so thing, कि यार मेरी जो है ना, जब मैं पे वीडियो बनाता हूं, तो ढेर सारे क्लैरिफाई so uh, क्या है एक्चुअली क्या इंश्योरेंस स्कैम है इंश्योरेंस स्कैम है क्यों है और कैसे हो गया ये स्कैम मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको असलियत समझाता हूँ जो स्कैम सच में हो रहे और ये भी बताता हूं कि जो स्कैम परसीव कर लिए जाते okay. क्यों आदमी स्कैम बोलता है क्योंकि उसने जो सोच के पैसा डाला उसको फाइनली वो घड़िया यूज करते हैं, करते हैं ये चलना बंद हो जाए अभी यहां पे। तो तो स्कैम है, वो तो फिर गलत दिया आपने मुझे इंडिया में इंश्योरेंस स्कैम इसलिए है एंड दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू इंडिया एंड एशियन कंट्रीज

ऐसी चीज बेच रहा है जिसका 40-40, 50-50 साल तक इंपैक्ट होगा आपकी फैमिली पे और वो पार्ट टाइम की तरह कैसे उसको कर सकता है इट्स वेरी स्पेशलाइज प्रोडक्ट राइट बिकॉज आज जो तुम डिसीजन ले रहे हो नेक्स्ट सिक्सटी सेवेंटी राइट इट्स एक्सट्रीमली क्रूशल थिंग इन याइफ बिकॉज जिस दिन बम फटेगा ये पॉलिसी बचाने वाली है इसको बेच कौन रहा है एक अंकल जिनकी शॉप है किसी और चीज की और वो इंश्योरेंस भी करते हैं This is 45% of India's problem. Another 40% is banks. I'm not saying banks are bad. The problem is bank ka core kaam kya hai banking hai. Bank. Wo third party income generate karne ke liye insurance bechta hai. Hmm. Are the people who are selling insurance in the banks super specialized insurance knowledgeable people? You go and try yourself. आप खुद जाके पूछो उसको कि मेरे father साहब को sugar है ये level का sugar है ये दवाई खाते हैं कौन सी health insurance लू वो banker generally नहीं बता पाएगा तो

वो भी शायद छोड़ चुका है तो अगर पूरा सिस्टम ही पार्ट टाइम बिजनेस के अराउंड बना हुआ है तो वो बहुत चैलेंजिंग है तो अब क्योंकि मेरे गलत पॉलिसी मेरे से सिलेक्ट हो गई आपके लिए क्योंकि मैं आपको क्लेम में मदद नहीं कर पा रहा हूं जब आप प्रॉब्लम फेस करोगे तो आप स्कैम बोलोगे उसको सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर अब असली स्कैम क्या और है आ, टेली सेल्स में आपने सुना होगा कई बार आपको फोन आया किसी ने फोन किया आपको हेलो सर हाँ वो आपका एक इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गया है सर अच्छा इसको आपको रिकवर कराना है क्या आपको वापस लेना है पैसा तो आप ये नया पॉलिसी ले लो तो आपको हो जाए बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था अब थोड़ा कम हुआ है तो जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होते हैं वो तो सब ट्राई करते हैं लोग तो वो तो अटेम्प्ट होते हैं वो कितना है पता है वो पॉइंट भी नहीं है पूरे इंडस्ट्री में एक्चुअल स्कैम ये है जिसके बारे में लोग आपको डीएम्स कर रहे हैं ना क्योंकि उसको जब उसके फादर साहब को जब भर्ती किया तो उसको कैशलेस नहीं मिला तो तो बोलता है बस आई तो इसको करेक्ट अगर करना है तो आपके जैसे हमारे जैसे लोगों को इस चीज को बहुत ज्यादा में सर्कुलेट करना पड़ेगा किससे ले रहे हो पहले वो करेक्ट करो अदरवाइज तुम फिर हर एक सर्विस के लिए पार्ट टाइम में ढूंढो गाड़ी खराब हो गई तो फूफा को बुला लेना

And I'm sure आप इंदौर में रहते हो इंदौर में आप ऐसे दस बीस लोगों को जानते हो जो फुल टाइम ये काम करते हैं ऐसे लोग हर जगह लो so right right तो इससे आपको कहानी बताता हूँ मुझे मेरे, मेरी क्रिकेट टीम में एक बंदा है राहुल राहुल रीचड टू मी से मेरी मॉम का मैंने दोनों घुटना चेंज कराया hmm. अपोलो में आठ लाख रुपये का बिल आया दोनों घुटने का मेरी इंश्योरेंस कंपनी इसको papers, कि ये साल से है इनको। अच्छा। और ये आठ साल पुरानी जो प्रॉब्लम है ये तो पॉलिसी लेने से पहले से थी तो इसको तो प्री एग्जिस्टिंग लग गया और आपने डिस्क्लोज नहीं करी है इसलिए वो क्लेम रिजेक्ट हो गया ठीक है अब वो आठ साल डॉक्टर ने सच में लिखा कि तुमने कुछ बोलते टाइम तुमसे गलती हुई अब इसको स्कैम इंश्योरेंस कंपनी का बहुत सिंपल रूल है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है बता दो मैं चार साल बाद कवर कर दूंगा तीन साल बाद कवर कर दूंगा इंश्योरेंस कंपनी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है तुम बताओगे नहीं तो तुम कभी भी मेरे पास आओगे उस प्रॉब्लम को लेके मैं क्लेम रिजेक्ट करूंगा दैट्स हाउ दे यस राहुल डीप डाउन विल डेफिनेटली फील दिस इज अ स्कैम ये कोई मिले हुए हैं शायद डॉक्टर ने वहां इसलिए लिख दिया आठ साल

गलती हो सकती है मेरी सुनने में गलती हो सकती है hmm. तीन साल दो साल मैं गलत एक बार लिख दिया hmm. उसके बाद वो चेंज करा क्लैरिटी hmm. तो ले लो यार, आप ये, hmm. आज ये, कल वो ये नहीं बोल सकते आप hmm. तो अभी थोड़ा सा केस लिंगर कर रहा है आई एम ट्राइंग टू गेट इट सॉर्टेड फॉर इफ इट गेट बिलीव इट इज नॉट स्कैम वो ही, फिर वो ही, mm. Mm. अरे बस तू जब क्लेम पेपर गए इंश्योरेंस कंपनी के पास mm. तूने बेचा था ना तो तेरे को चेक तो कर लेना था एक बार लिखा गया डॉक्टर ने mm. उसी टाइम जाने से पहले अगर ये क्रॉस चेक हो गया होता mm. तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आतीज mm. so, सो so, जवेल हम लोग भी इंश्योरेंस पे कंटेंट बनाते हैं right. YouTube, Insta, mm -hmm. आप भी बनाते हो सो mm -hmm. so, एक तो ये पहला पॉइंट है कि भाई आज हम जैसे लोग हैं क्यों व्हाई डू वी क्रिएट दिस कंटेंट एंड इज द एंड कंज्यूमर ऑफ दिस कंटेंट रियली गेटिंग दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव अबाउट इट और डू सिंग दिस टू मच ऑफ क्लटर

तो जो कंटेंट आपका देखता है बिलीव यू। दे आपको सुना है। है uh -huh. उनको पता yeah. तो एक तो कंटेंट का बेनिफिट क्या है कि अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो यू कैन गेट का सिंगल सेकंडली आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्ड होता है yeah. एक बार अगर कस्टमर आया आपको सिर्फ एक बार कस्टमर को लेकर आना है थ्रू योर कॉन्टेंट रिटेनरशिप का जो काम है वो आपकी टीम करेगी करेक्ट राइट right? तो मुझे लगता है कि ईच एंड एवरी बिजनेस एग्जिस्टिंग इन टूडेज वर्ल्ड स्टार्ट कंटेंट एंड दे हैव द नीड

मेंटल वेलबींग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी शुड बी पार्ट ऑफी स्कूल बच्चे को तुम पता नहीं कैसा और ये और वो और कोडिंग पढ़ा रहे हो hmm. दो पैसे कमाएगा तो उसको कैसे डिप्लॉय करेगा ये तो समझाओ hmm. ग्यारहवीं बारहवीं में समझाओ right. और मेंटल हेल्थ भी आई वॉज टॉकिंग टू रॉन इथ रंजन आई डोंदर यू सीन दॉडकास्ट और कन्याकुमारी टू कश्मीर टू पुश एन सी आर टी टू एड दिस मेंटल हेल्थ इन देर करिकुलम एनसीआर अगर मान जाए इस बात को क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट डिप्रेशन एंड ऑल दीज इशूज ये थोड़े इशूज बढ़ते mm -hmm. जा रहे हैं सो आई थिंक और कैसे हुआ ये कॉन्टेंट क्रिएशन के थ्रू हुआ ही वॉज क्रिएटिंग रीज ऑन द वे एंड वी वॉज वॉकिंग यू वॉक फॉर अब फोर एंड हाफ मंथ्स सो आई थिंक दीज टू थिंग्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विच इज फैनैंशियल लिटरेसी एंड मेंटल हेल्थ

देखो स्कोप तो हमेशा ही रहेगा एंड इफ सम्पलर सी एस पढ़ा लॉ पढ़ रहा हूँ मुंबई में, में भी 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 सबके स्टाइल अलग है hmm. जिस बच्चे को जिसका स्टाइल अच्छा लगता है वो उससे पढ़ता है एंड सिम है किसी को उज्जवल भाव का तरीका अच्छा लग रहा है म्यूचुअल फंड समझाने का तो ही फॉलो मीडिया

नहीं आता जिस दिन उसको Instagram चलाना आएगा वो आपका एक correct, बन correct, correct, correct. तो creation, नहीं आता जो बच्चे पढ़ रहे मेन स्ट्रीम स्टार्ट अर्निंग

क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप क्यों ना उस क्वेश्चन को कंटेंट में क्रिएट करते वो क्लाइंट को क्वेश्चन है तो तो लोगों को भी क्वेश्चन होगा yeah.

देखो तो मेरा क्या है मैं ये आई डोंट मेक दिस इज नॉट माई रेवेन्यू स्ट्रीम दिस इज माई ब्रांडिंग राइट दिस इज माई ऑर्गेज फॉर पीपलट रन असहाइंड वॉट इज द रेवेन्यू स्ट्रीम हाउ मच मनी कैन अ पर्सन हू लेट से अराउंड योर मार्क मिलियन मेक एंड कैसे ये पैसा बनाता है बिकॉज मैं ये चाहूंगा मैं भी ऐसा सोचूंगा कि बस मेरा बेटा भी यूजल बने hmm. क्योंकि अगर वो 26 साल की उम्र पे अपने मन मर्जी से काम कर सकता है वो टेडेक्स टॉक्स कर सकता है एक मिलियन आदमी उसकी बात सुनता है तो ये तो बड़ा बढ़िया करियर चॉइस है तो अगर किसी 15-18 साल के बच्चे को ये सोचना है कि बस कंटेंट क्रिएशन इज अ ग्रेट स्ट्रीम टू बी इन, तो उसके लिए क्या फाइनेंशियल इन्वॉल्व है उस पर थोड़ा सा लाइट डालो ठीक है मेरे आज आठ लाख फॉलोअर है

आप बोलो के उसी तरीके से बोलो वो एक दिक्कत क्रिएटिव फ्रीडम क्रिएटिव फ्रीडम आता है तो व्यूज ज्यादा ज्यादा आते हैं आरओआई ज्यादा निकलता है एक ब्रांड आपके पास आएगा वो आपके साथ सबसे पहले टेस्ट ही करता है एंड द मनी दैट यू कोट वोज दे देंगे बट अगर उनको उसका आरओआई मिला तो देल मूव फॉरदर अब इसमें आरओआई डिपेंड करता है आपके सीपीवी पे दैट इज कॉस्ट पर व्यू जब इंस्टाग्राम

मेरे जितने लोग फॉलोअर्स मेरा कंटेंट देखते हैं उनसे एक रुपए भी नहीं लेता Correct. आज तक नहीं और को पैसा कौन दे रहा है, है. आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है here, content, content की थोड़ा uh. कुछ भी नहीं बेचते बेटिंग ऐप नहीं बेचता है कुछ कुछ इंस्टाग्राम पेजेस है जो अपना फेस नहीं दिखाते हैं।

ट्रेन करवा दो जस्ट गिव गिव अ डिसेंट होटल टू स्टे एट क्योंकि हम ये भी हमारा एक्सपेंस पे करेंगे तो फिर व्हाट इज़ द हम पे चैरिटी करने तो नहीं बैठे ना ब्रेड बटर टॉक सो मोटा मोटा वी कैन से कर रहे हो और तुम वर्कशॉप वाला मॉडल भी कर रहे हो और तुम ये भी करते हो तो ऑन मंथली बेसिस इफ अ मिलियन फॉलोअर्स

वो ब्रांड को करके पैसे तो ले लेते हैं दो दो तीन तीन लाख उनसे पर वो खरीदेगा नहीं पर जब आप उसे डाउनलोड ही नहीं आए या लिंक नहीं आए तो आर तो जीरो निकला तो डोंट गो टू बहुत मैटर करती है yeah. anything, तो ये स्टॉक्स तो चलो ठीक है बारे no में तो स्टिल पीपल टॉक वो सीए को उठाते हैं सीएस को उठाते हैं क्रेडिबिलिटी हो कि फाइनेंस कंटेंट तो क्या आजकल फाइनेंस कंटेंट बनाना इतना इजी हो गया है yeah.

नाम बनाने के लिए पांच लोग एक बंदा पांच लोगों की रील पे देख रहा है तो फिर वो भी सोचेगा कि नहीं देर इज समिंग बट इसमें इसका उल्टा भी हो सकता है पॉजिटिव होगा मेरे को तो लगता है नेगेटिव हो भी होगा बहुत बेच रहा है यार हां नेगेटिव भी होता है बट वही है कि फैंस टू फॉलोअर्स वाली चीज है क्या है सो आई वाज वी ऑलवेज थॉट दैट एक तो ये तरीका था दैट

आट, जीरो अब नहीं खरीदी ग्रीन स्क्रीन चार सौ रुपए की आती थी तो पता ही नहीं था चलेगा, चलेगा। उसको सीएस तो वैसे आई फोन सेवन पहले से था सी एस ठीक है सी एस अच्छा फोन हो आपके पास नहीं है पापा के पास होगा मम्मी के पास होगा भाई के पास होगा फ्रेंड के पास होगा तो अगर आईफोन नहीं भी है

और जब मुझे लगा वो तो भैया भैया अभी भी भी रहते हैं मेरे मेरे अब तो मेरे है। अच्छा, very nice, तो जिगरी अच्छा मतलब उनका बहुत है कहीं और शिफ्ट हो गए बट वो फोन मांगने से मेरी उनसे दोस्ती हो गई उनका आई फोन ट्वेल्व था उनके पास तो मैंने उनसे लेके कंटेंट बनाना शुरू करा अभी जब मेरे फॉलोअर्स मैंने बताया कि बढ़ रहे थे तो

तो अब I'll see those videos, शुरू वाले हाँ, iPhone 11 लिया मैंने और दो महीने बाद मैंने पूरी iPhone की कॉस्ट निकाल ली थी अच्छा तो ये मैंने डेढ़ दो साल मैंने By so, this time you were on how many followers? मैंने आ, यही तो बोलता हूँ की इतना तुमको नहीं चाहिए ये सब ये सब एक स्टेज पे जाकेट होता नहीं, नहीं बहुत, बहुत खर्चा करा है वो डुबल स्क्रीन वाला जो कॉन्टेंट होता है ना वो चल नहीं रहा था तुमने की चलो अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो मेरा भी नहीं चला तो वो मैंने अब करना पड़ेगा तो मैंने कभी नहीं लिया अच्छा मैं मेरी मेरा तो घर था ना वो थोड़ा सा सेक्लूडेड था थोड़ा बहुत शांत कॉलोनी थी मेरे को पता था कि सब्जी वाले कब आने वाले हैं उस टाइम पे कंटेंट शूट नहीं करना बाकी दोपहर में पूरा फ्री रहता था शांति रहती थी वो इंदौर में सुबह सुबह वाले वाले भी तो आते हैं वाले गाना बजाते हुए। मेरा फिक्स था अभिषेक दो से चार या साढ़े के बीच में और क्या होता था कि सन भी जो होता था ना वो ऊपर चले जाता था साइड में चले जाता था तो एकदम नेचुरल जो एकदम सॉफ्ट ऐसा लगता कि है सॉफ्टनर लगाए हुए लाइट में उसके बाद जो लाइट आती वैसी लाइट आती थी तो बेस्ट चीज थी अब क्या हुआ घर शिफ्ट कर लिया हमने हम कहा चले गए थे अभी घर बन रहा है मैंने आपको बताया वो खिड़की चली गई अब जो सामने खिड़की है मेरी वर्किंग टेबल के सामने वहां पे तो सीधे धूप आती है अच्छा तो, क्या लगे। तो फिर ये ली अच्छा चौदह हजार की लाइट ली हमने लगा की अब चलो माइक की अभी अप्रैल में फिर माइक लिया तीस हजार रूपए का तो भैया देख लो कोई खर्चा नहीं है

यू हैव टेक and I have the expertise. Let's combine. कंबाइन हाँ. उसको टेक में लाना तो चलो ठीक है और वो ये बोलता है भाई शक्ल अच्छी नहीं है मैं कल बाल कटवा के आऊँगा दाढ़ी सेट करवा के आऊँगा है ना भाई ये सब मैटर नहीं करता हुँ. मैंने जब कॉन्टेंट बनाया जब मेरे मुँह पे पाँच पिम्पल्स हैं करेक्ट तो सन्नाटा वो मेरी भी शक्ल ज्यादा अच्छी नहीं है बट फिर भी <laughs> चल तो रही है या तो यू डोंट नीड अब इस स्टेज पे अगर आप आ गए हो स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट तो थोड़ा यू नहीं तो फिर बात अलग आई

मैंने सुना कर रहे हो तो दूसरा बंदा वो स्किट फॉर्मेट जो बिल्कुल नहीं चला हुँ. वो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ यार इंश्योरेंस आता है हाँ. तो सिखा देंगे कुछ लोगों को ऐसा था बस वो डिफरेंट <laughs> टी शर्ट इट वॉज इट आप शान जगह पे चले जाओ अभी अफोर्ड नहीं कर सकते माइक भी बहुत महंगे आते हैं हाँ.

फिर अब जाके अब जाके कंटेंट मतलब ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ एक वीडियोग्राफर को भी हायर किया है कि जो आउटडोर डी रील्स शूट होती है तो उसमें वो आता है और वो भी इंटर्न मतलब इंटर्न तो नहीं है छोटा बच्चा है तो ज्यादा चार्ज भी नहीं करता मैं तो उसे बोलता हूँ तो बहुत अंडर चार्ज कर रहा है तू तो मुझसे ले तो बोलता है जब मेरा में, में हो जाता है अच्छा अभिषेक अभी स्कैम की बात निकली थी तो ये बोलते हैं कि यूलिप भी एक स्कैम होता है तो थोड़ा मुझे भी इसमें गाइड कर दो कि होता है कि नहीं होता क्योंकि मेरे को तो लगता है इट्स नॉट राइट स्कैम है जैसे करेंटली बेचा जा रहा है और यूज किया जा रहा है एक्चुअली hmm. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बीस hmm. साल के टर्म में म्यूचुअल फंड को बीट कर सकता है लॉजिक समझाता हूं hmm. बेचा कैसे जाता है पहले ये बताता हूं सर ये पांच साल का इसमें लॉक इन होता है hmm. आप बीस साल रखना है तो रखो आज साल बाद निकाल सकते हो आप किसी को बोल दोगे ना बस साल बाद शादी के बाद ना ना अगर किसी को बोलोगे ना सर पांच साल बाद कर सकते हो गेम ओवर तो आधे तो लोग गेम ओवर कर लेंगे अगर उनको डिवोर्स का टेंशन नहीं होगा सेम वे पर्सन कम्स एंड वाले यूलिप्स आ गए से छह हैं पूरे कंट्री में जहां अलोकेशन चार्जेस ही नहीं कटते हैं शुरू में hmm. केवल तीन चार्जेस कटते हैं पॉलिसी एडमिन कॉस्ट इज वेरी मिनिमल इट इज हजारों में एक हजार दो हजार रुपए इज योर मोर्टेलिटी चार्जेस विच इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस कवर एंड थर्ड इज योर यजमेंट कॉस्ट Cost भी तक कटती है। जिस दिन तक मेरा दिया हुआ पैसा डेथ कवर को क्रॉस कर जाता है एक लाख रूपये का प्रीमियम भरा और मेरा कवर है दस लाख में एक लाख डालता गया प्लस उसको उस, उस फंड ग्रो करता गया जैसी दस लाख क्रॉस अच्छा। करेगा मोर्टेलिटी कॉस्ट बंद हो जाएगी पॉलिसी एडमिशन कॉस्ट भी कब तक लगती है केवल जब तक मैं प्रीमियम भर रहा हूँ तब तक असेंट मैनेजमेंट चार्जेज आर वन पॉइंट थ्री फाइव आई आईडिया

इट्स बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री फोलियो स्टार्ट होता है म्यूचुअल फंड में टूट जाता है बंद हो जाता है बंदा एस स्टार्ट करता है मैं रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ तीसरे साल में बंद कर देता है एनी थिंग ओपन एंडेड इन द कंट्री एंड वेर देर इज नो सोशल सिक्योरिटी नो बैकअप ऑफ इनकम जैसी कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आती है ना तो सबसे पहले क्या जिसको बंद कर सकता हूँ फटाक से बंद कर सो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऐसा बोल दिया तो ये नहीं पांच छह प्रोडक्ट है कंट्री में एच डी एफ सी आईसीआईसी बजाज कपल ऑफ अदर कंपनीज ऑल्सो वो ले और चलाए लंबे समय तक hmm. नहीं चलाएंगे तो फिर आप तैयार रहिए कि वो यूलिप्स कैम है ठीक होना संडे Uh, आप हमारे बुलाने पे आए आप बॉम्बे में यू हैड कम फॉर टेडेक्स सेशन एंड वी आर नाउ कैचिंग अप इन दूसरा लाइक लॉन्ग ड्यू फॉर अस बिकॉज अपन बात कर रहे थे कई बार ah, तो वी रियली विश फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट कि आप जल्दी इंस्टा पे वन मिलियन क्रॉस करो और हम भी अपनी कंटेंट जर्नी आगे बढ़ाएं और ऐसे हम कुछ ना कुछ कोलैब्स ड्यूरिंग आर लाइफ स्पैन लाइफ टाइम करते रहे बिल्कुल जिससे कि दोनों हमारे हमारे भी और आपके भी फॉलोअर्स को फायदा हो और वी विश ऑल द सक्सेस फॉर यू योर ब्रदर इज विद अस इट वॉज अ ग्रेट टाइम वी स्पेंड दिस टाइम टुगेदर